स्वागत है दोस्तों। आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच फिर दावा ठोक रही है कि असी जित दे करीब हाँ जी, जित लांगे पंजाब नूं असी जी, पंजाब की जी चंडीगढ़ तो बाद पंजाब की अगली जित साड़ी होएगी। ये तमाम सारियां गल्लां आम आदमी पार्टी कर रही है। मोटे तौर पर रुझान हले स्पष्ट नहीं है, तुहानू पता भी हले स्थिति पंजाब स्पष्ट नहीं हुई हैगी। फिर भी एक अंदाजे जे लग रहे हैं, अटकल पच्चू जे लग रहे हैं, उहदे विचों मालवे दे विचों आम आदमी पार्टी का आधार स्ट्रोंग है, मतलब मुकाबले में है दूजिया पार्टियां कांग्रेस नाल जिहड़ा अकाली दल नाल मुकाबला कर रही हैगी है। सो इस करके असी हुण देखना ही होएगा कि आम आदमी पार्टी एक तो पंजाब दे विच आई है, ओ ये बात का सवाल जितूगी या हारूगी, लेकिन जिहड़े मुद्दे आम आदमी पार्टी पंजाब नूं दे रही है वह की ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो होंद विच आई सी बखरी न्यारी कदना कीमत वाली पार्टी, जहाँ कहना सी कि असी सिस्टम नूं बदलन आए हाँ, असी साडे अंदर जिहड़ा एक जमहूरीयत होगी, ये तमाम सारियां गल्लां सी। पर थोड़े चिर बाद ही दिल्ली की जित तो थोड़े चिर बाद ही दिल्ली जदों 15 दे विच इन्हां ने जित्ती, उदों तुरंत बाद ही आम आदमी पार्टी ने एक अपनी जिहड़ी अंदरूनी डेमोक्रेसी की गल करन वाले लोगों नूं पार्टी दे विचों बाहर दा रस्ता दिखा दिता। उदू बाद विच आम आदमी पार्टी विच निरंकुशता वधी, आम आदमी पार्टी लगातार ओ मुद्दियां तो जिहड़े मुद्दे उहदे तरजीही मुद्दे सी उहदे तो भी परां हुंदी गई। पंजाब दे विच हुण आम आदमी पार्टी जो आई है पहलां वालों नैरेटिव वखरा कीता, मंदरां दे विच वी जा रही है, तिरंगा यात्रावां कढ रही हैगी है। सवाल है कि किहड़ा पंजाब नूं नैरेटिव की दे रही है, पंजाब नूं किहड़ा विचार दे रही हैगी है। एक तां बीजेपी वाले भी आम तिरंगा यात्रावां कढ रहे ने, इन्होंने भी उहदी रीस नाल उत्तराखंड वगैरह विच कढ़ियां ने, पंजाब दे विच तिरंगा यात्रा जिहड़ी कढ़नी खास इत्थे, फिर केजरीवाल भी उही बोली बोल रहा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ते बीजेपी बोल रही है सुरक्षा के मसले के उत्ते। कहानी जा किधर नूं रही है भी ये दिखाउण की कोशिश है कि पंजाब जिहड़ा हैगा एक अशांत सूबा हैगा, इत्थे जी उही नैशनल सिक्योरिटी का मुद्दा की है, पंजाबी मानसिकता इहनूं एक्सैप्ट करेगी, एक वड्डा सवाल है। क्योंकि ठीक है कि लोग जोड़ सकते हो तुसी चंगे प्रशासन की गल करके, पर पंजाब यह भी मंगूगा ना कि पंजाब के लिए जिहड़ा मुद्दा जिहड़ा एजेंडा वा की वह पंजाब के सुभा का हैगा, तिरंगा वा। पंजाब के लोग फौज विच वड्डी गिणती च ने, मुल्क लई कुर्बानियां करन दे विच भी मोहरी ने, पर तिरंगा यात्रावां कढ के मतलब अपनी देश भगती साबित करना पंजाब के लोगों के खून च नहीं हैगा, ना ही इस तरह दी तिरंगा यात्रावां जिहड़ियां कि जो कि बिल्कुल सानूं पता कि अज दे समें जो तिरंगा यात्रावां दा एक फिरकूकरण किया गया हैगा, उहदे विच कोई देश भगती वाली भावना की थां दे उत्ते इहनूं एक हिंदू धर्म नाल रलगट करन की कोशिश की गई है, एक नैशनल सुरक्षा का मुद्दा बना के, सो कॉल्ड सुरक्षा का मुद्दा बना के एक खास भाईचारे नूं डराउणा ते एक खास भाईचारे विरुद्ध नफरत का वातावरण पैदा करना, ये एक कोशिश होरना सूबों च रही है, ये कि पंजाब दे विच भी तां नहीं हैगी। ते केजरीवाल उही राह ते क्यों चल पिया, जे उही राह ते चलेगा तो सीधी जी गल है कि वह राह दे उत्ते तां जिहड़ा हैगा उहनां कोल एक सच्ची मुच्ची का जिहड़ा हैगा आइकन है नरेंद्र मोदी जां बीजेपी, फिर उहनूं जिहड़ा केजरीवाल ही जिहड़ा हैगा वा स्वीकार क्यों होवेगा उस तरह के हार्ड कोर हिंदू नूं। पर पंजाब दे विच जिहड़ा हैगा सुभा मैं दस्सिया कि बिल्कुल उल्ट है जिवें पंजाब दा, ते पंजाब दे सुभा तो उल्ट जिहड़ियां तिरंगा यात्रावां की कहाउंदियां ने इहदे विचों, एक तां पंजाब दा विजन गायब है। इदों पहलां नवजोत सिंह सिद्धू दे बयान दे उत्ते जो राघव चड्ढे ने कहा सी पाकिस्तान दे विच उहने पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री नूं भरा क्यों आख्या, इहदे विच भी कोई पोलिटिकल फायदा नहीं, किसे होर सूबे च कहा हुंदा तां फायदा हुंदा, पर पंजाब दे विच तां दोहें पंजाबां दे विच इक जिहड़ी भावुक सांझ है, लोक लगातार पाकिस्तान नाल दोस्ती चाहुंदे है, ये जिहड़े नैरेटिव पंजाब चलन वाले नहीं, सगों ये नैरेटिव जिहड़ा हैगा सो कॉल्ड नैशनल इशू का मुद्दा होरना सूबियां चल सकता हैगा। ये तमाम वो सवाल खड़े ने जिहदे विचों लगातार आउंदे ने, जिवें हुण अशांत शांत सूबे की गल करदा केजरीवाल लई सब तो वड्डा सवाल यही है कि दिल्ली में हले 2020 दे विच हिंसा होके हटी सी ते आप जनाब बाहर तक नहीं निकले सीगे, अपने लोगों नूं पुछिया तक नहीं, नच के तांडव नाच होया, ते पंजाब नूं फिर तुसीं भाई कि असुरक्षा की गल करदे हो। पंजाब तां हुणे हुणे किसान अंदोलन की अगवाई भी करके हटिया, जिहड़ा जिन्हों के दुनिया भर के अखबार लिख रहे हैं कि दुनिया का सब तो वड्डा शांतमई अंदोलन है। सीधी जी गल है कि केजरीवाल उस तरह के जिहड़े सो कॉल्ड मुद्दे ने, सो कॉल्ड नैशनल सिक्योरिटी का मुद्दा, सो कॉल्ड जिहड़ा हैगा तिरंगा यात्रावां दा एक वातावरण बना के पंजाब के हिंदू भाईचारे की वोट
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿਸਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਵੱਲ ਅੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਦ ਦਊਗੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਡ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਲ ਵੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।